हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स ऑफ रोड। ये हाईवे इंजीनियरिंग का टॉपिक है। क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स को सिक्स पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, दैट इज पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स, कैम्बर, कर्व्स, विड्थ ऑफ कैरेजवे, रोड मार्जिन्स एंड विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। आगे बढ़ने से पहले आप इस इमेज को स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आप इसे समझे। वन बाय वन हम इस इमेज के हर टर्म को समझेंगे, दैट इज कैरेज वे, शोल्डर, राइट ऑफ वे, रोड मार्जिन, बॉर्डर कंट्रोल्स, सब टर्म्स को हम लोग समझेंगे। अब मैं इसको डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स। पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स का सब सेक्शन है कुछ, दैट इज फर्स्ट पार्ट है उसका फ्रिक्शन। कभी भी हम रोड पे मूव करते हैं तो व्हीकल्स के टायर्स और रोड के बीच में फ्रिक्शन एक्ट करता है, और इस फ्रिक्शन के कारण फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो IRC ने फ्रिक्शनल कोफिशियंट वैल्यू तय किया है कि इस लिमिट में होना चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शनल वैल्यू 0.35 से 0.4 होना चाहिए और लैटरल फ्रिक्शनल वैल्यू 0.15 होना चाहिए। इससे ज्यादा फ्रिक्शन कोफिशियंट नहीं होना चाहिए ऑन पेवमेंट्स। नेक्स्ट इज अनइवननेस। आप कभी भी रोड पे मूव करते हैं तो रोड हमेशा स्मूथ नहीं होता है, कुछ अप एंड डाउन होते हैं। स्मूथनेस एक लेवल का नहीं होता है और इसे कोई भी पैसेंजर फेल कर सकता है। तो अनइवननेस को मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है बम्प इंटीग्रेटर। नेक्स्ट इज लाइट रिफ्लेक्शन। आपने हमेशा देखा है कि पेवमेंट्स में व्हाइट और ब्लैक बैंड्स का यूज किया जाता है। अब इसके पीछे भी कुछ कारण है। व्हाइट बैंड्स की विजिबिलिटी रात में अच्छी होती है, बट दिन में वो बहुत ग्लेयर करते हैं। और ब्लैक बैंड्स क्या होता है कि दिन में ग्लेयर नहीं करते हैं, बट रात में इनकी विजिबिलिटी बहुत ही खराब होती है। इस कारण कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक बैंड्स यूज किया जाता है, जिससे हमें प्रॉपर विजिबिलिटी मिल सके और व्हीकल्स मूव कर सके। कंक्रीट रोड्स पे विजिबिलिटी हमेशा से अच्छी रहती है और हमें वो ग्लेयर कम करते हैं। इसमें लास्ट पॉइंट है पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में ड्रेनेज। पेमेंट में ड्रेनेज के लिए प्रॉपर प्रोविजन किया जाता है। इस तरह का ज्योमेट्री और टेक्सचर डिजाइन किया जाता है ताकि वाटर होल्ड नहीं कर सके ऑन पेमेंट, नहीं तो हमारा पेमेंट सरफेस खराब होगा और फेलियर के चांसेस बढ़ेंगे। इस कारण से हम ड्रेनेज के लिए प्रॉपर ज्योमेट्री और टेक्सचर डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट इज कैम्बर। कैम्बर एक तरह का क्रॉस स्लोप है रोड्स पे। कैम्बर का सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस है टू ड्रेन ऑफ द वाटर फ्रॉम इट्स सरफेस। रोड में ट्रांसवर्स डायरेक्शन में इस ढंग का स्लोप प्रोवाइड किया जाता है। कैम्बर को 1/n और n परसेंटेज में मेजर किया जाता है। ये टिल्टेड फॉर्म में आप स्क्रीन पर इमेज में देख रहे होंगे कैम्बर को किस तरह से डिजाइन किया गया है। थर्ड पॉइंट है कर्व्स। शोल्डर और जो मेन अपना राइट ऑफ वे है जिसपे व्हीकल्स मूव करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक तरह का हम कह सकते हैं बैरियर क्रिएट किया गया है। इस बैरियर को हम बोलते हैं कर्व्स, जो डिफ्रेंशिएट करता है शोल्डर और पेवमेंट के बीच में। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं चार टाइप के कर्व्स को मैंने दिखाया है। लास्ट इज विड्थ ऑफ कैरेज वे। विड्थ ऑफ कैरेज वे किसी भी व्हीकल का एक फिक्स डायमेंशन है, उस डायमेंशन से एक्सेस वो व्हीकल की विड्थ नहीं सकती। तो मैक्सिमम परमिसेबल डायमेंशन अपने पास है 2.44 मीटर। इस तरह विड्थ ऑफ कैरेज वे डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ लेन्स के हमें रोड बनाने हैं। 6 लेन बनाना है, 4 लेन बनाना है, 8 लेन बनाना है। हम इस हिसाब से रोड के लेंथ के अनुसार राइट ऑफ वे या विड्थ ऑफ कैरेज वे हम लेते हैं। आप स्क्रीन पर इमेज देख रहे हैं, मैंने सिंगल लेन के लिए और डबल लेन के लिए बताया है। रिमेनिंग टू पॉइंट्स ऑफ दिस टॉपिक विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, रोड मार्जिन एंड विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।